अल्लाह अकबर, मुझे बहुत पुरानी याद आ गई। मैं एक बुजुर्गों के पास गया और उनसे मैंने अर्ज की, हुजूर सुकून कल्ब के लिए दुआ कीजिए। तो वो फरमाने लगे कि ये तो तड़पता ही रहे तो अच्छा है, इसकी तड़प ही जिंदगी है, इसका तड़पना और बेताब रहना ही जिंदगी है। आतिश का शेर है और कितना कमाल उसने लिखा, वो मजा दिया तड़पने मेरी आरजू है या रब, वो मजा दिया तड़पने मेरी आरजू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। वो कहता है एक पहलू में दिल है और वो तड़पता है याद महबूब में, तो इतना सुरूर आता है कि रातें बीत जाती हैं। वो कहता है जब मेरे एक पहलू में दिल है तो सुरूर जिंदगी नसीब हो गया है, अगर मेरे दूसरे पहलू में भी दिल होता तो फिर क्या कैफियत होती। और ये दिल जो है पल पल बदलता रहता है, गाहे खंदा गाहे गिरिया, कभी उदास होता है कभी सरशार हो जाता है, कभी गमगीन हो जाता है कभी मुसरतों से लबरेज हो जाता है, कभी यास और कनूत की कैफियत में चला जाता है कभी उम्मीद की बहारें आती हैं। तो ये अजीब इसकी कैफियत, ये बदलता रहता है तगैयुर पज़ीर होता रहता है। और कल्ब भी इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें तकलीफ होती है, ये बार बार बदलता है, लम्हा लम्हा इसकी हालत तब्दील होती है। तो ये रब ने एक अजीब कायनात बनाई है, अजीब रंग बनाया है, और ये दिल हजरत इंसान को दे करके उसने अपनी मोहब्बतों का मरकज बनाया है। रब नहीं चाहता कि इसमें कोई और भी बसे। वो कहता है ये डेरा तो मैंने अपने लिए बनाया है, और बदबख्त तूने किसी और को बसा लिया यहाँ, तूने ख्वाहिशाते नफ्स को यहाँ बिठा लिया, तूने शैतान को जगह दे दी। इस तख्त पे तो मैंने बैठना था, ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरी मोहब्बतों की आमाजगा है, ये तो मेरे जलवों का मरकज है, तो मैंने यहाँ नजूल अपनी रहमतों का करना था, तूने किस गैर को बिठा लिया। यार हुजला उरूसी के अंदर अगर कोई गैर हो तो फिर गैरतमंद महबूब तो वहां नहीं आता, गैरतमंद महबूब तो तब आएगा कि इसे निकालो मैं फिर आऊंगा। कहा ख्वाहिशात को निकालो, हिर्स व हवा को निकालो, आरजुओं और तमन्नाओं को निकालो, दिल को पाकीजा मुसफ़ा सुथरा मुनव्वर और मुतहर कर लो, और फिर आवाज दो मेरे मालिक हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। फिर देखना उसके जलवे दिल पे कैसे बरसते हैं और कैसे अनवार उतरते हैं। दिल वही दिल है जिसमें दिल भर के डेरे में, और जो दिल दिल भर की याद से खाली है वो दिल दिल नहीं है, वो गोश्त का एक लोथड़ा है। और ऐसा लोथड़ा तो जानवर के बदन में भी होता है जो सिर्फ खून सप्लाई करता है। ये दिल सिर्फ खून सप्लाई करने वाला ना हो बल्कि ये दिल नूर सप्लाई करने वाला हो, और इस दिल से उजाले फैलें, इस दिल से रोशनियां फैलें। मेरे इमाम सारी जिंदगी झोली फैला के अपने दिल को हुजूर की चौखट पे बिछा के हमेशा यही कहते थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुनिया के जितने भी आईने हैं वो टूट जाएं तो बेविकार हो जाते, उनकी तौकीर नहीं होती। एक लाख रुपए का फानूस आपने लटका दिया यहां और वो गिर गया, टूटा तो कीमत ही नहीं बची। लेकिन दिल ऐसी कायनात है जितना ज्यादा टूटे उतनी ही कीमत बढ़ती है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज। अच्छा एक और बात है दिल की, घर लुट जाए तो लोग रोते हैं घर लुट गया और घर बर्बाद हो गया, लेकिन दिल लुटे तो आबाद होता है। इकबाल ने कितने खूबसूरत पैराए में यह बात की कि कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आजादी हुई, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको, कैद में पहुंच के तो आजादी छिनती है लेकिन ये अजीब जहान है, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आजादी हुई, दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। तो ये लुटता है तो आबाद होता है, वो दिल दिल ही नहीं जो अभी तक लुटा नहीं, जब दिल लुटता है तो आबाद होता है। और कितने खुश नसीब वो हैं जो जिनके दिल मदीने की गली में लुटे हैं। अल्लाह अकबर। तड़प इसके लिए सामान्य जिंदगी है,